तुम अपने हिसाब गाने के लिए एक फीमेल सिंगर को ढूंढ रहे हो या फिर उस लड़की को ढूंढ रहे हो जिसकी आवाज तुमने कहीं सुनी थी? अगर वो यहाँ आ भी जाती है तो तुम इसे पहचानोगे कैसे? तुम ही वो आवाज हो जो मेरे साथ मेरे अगले एल्बम में गाएगी। तुम खुश नहीं हो? नहीं, 1.5 लाख रुपए एडवांस में चाहिए। पैसों के डिसीजंस राज सर करते हैं। देखिए, जितने पैसे मांग रही है इसे दे दो। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी किसी के लिए भी मुफ्त में नहीं करता है। मैंने तुम्हें ये पैसे दिलवाए, इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं जानती थी तुम किसी की भी मदद बिना अपना मुनाफा देखे तो कर ही नहीं सकते। तुम मुझसे साइन करवा के मुझे ये पैसे देके मेरी मदद करने का नाटक करके मुझे अपने साथ गाने के लिए फोर्स करना चाहते हो ना? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और ना ही तुम्हारे ये दिए हुए पैसे। सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ गाओ, लेकिन जबरदस्ती नहीं, समझी तुम? क्योंकि जब तक आवाज दिल से नहीं निकलती ना, तो संगीत नहीं बनता है। हमारी एक कंपनी है जहां पर हम लोगों को पैसे देते हैं उनके काम के बदले, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के लिए 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। 2 साल? हमें एक दिन में ये घर खाली करना है। हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अपना आखिरी सांस तक इसी घर में रहेगा। साइन कहाँ करना है? विकी, हमारी कंपनी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके आना, मिस मानवी के नाम का। एग्रीमेंट। Congratulations. मैं नहीं जानता कि वो क्या वजह है जो तुम मेरे साथ गाना नहीं चाहती, पर तुम्हारी आवाज कोई मामूली आवाज नहीं है जो भीड़ में गुम जाए। एक ना एक दिन तुम्हें मानना ही होगा, जबरदस्ती नहीं, खुद अपनी मर्जी से। पता नहीं वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करूं कि तुम मान जाओ। बाबा, आपके ताजमहल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये पूरे 1.5 लाख रुपए। कल दिवाली है और आज इतनी बड़ी बला टल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बच्ची ने आज सब कुछ ठीक कर दिया। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? हम तुमसे पूछ रहे हैं मानवी। आप भी ना, क्या कहाँ कैसे ये सब क्यों लेके बैठे हैं? ज्यादा जरूरी क्या है? यही ना कि पैसे मिल गए हैं, आप ये पैसे दे के आइए, बाकी सब बातें हम बाद में करेंगे। जवाब दो मानवी, हम तुमसे कुछ पूछ रहा है।
अरे मानवी तुम आ गई। बाबा वो मैंने बॉस से बात की थी कि वो मुझे लोन दे दे, उन्हीं के काम से कहीं बाहर गया था तो मैंने मानवी से कहा कि वो जाके पैसे ले आए। चलो शुक्र है कम से कम पैसे तो आ गए। लाइफ में पहला बार ये दुकानदार कुछ ढंग का काम किया। इधर आ, इधर इधर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पता नहीं हम लाइफ में कौन सा पुण्य का काम किया था जो इतना अच्छा बच्चा लोग हमको मिला। तुम लोग भगवान का तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बाबा चलो जल्दी जाके पैसे दे के आते। नहीं हम जाएगा, हम अभी का अभी जाके वो तलवार का मुंह पे पैसा मार के आएगा। अब हम भी देखता है कि हम इस घर से कैसे निकलता है। मैंने आज तक बाबा से कभी झूठ नहीं बोला और आज। आई एम सॉरी मानवी, मैंने तुझे सच कहने से रोका। थैंक यू सो मच दादा, अगर आज आप सही वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या बोल देती। अच्छा तो ठीक है, फिर दिवाली गिफ्ट हो गया, अब मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। कंजूस, अग्रवाल यू आर माई लॉयर, वकील हो तुम मेरे, मुझे सॉल्यूशन दो, प्रॉब्लम नहीं, जानना चाहता हूं मैं। अग्रवाल वो आदमी जिसने जिंदगी में कभी अपने घर का एक महीने का रेंट तक नहीं दिया पूरा, वो इतनी बड़ी रकम लाया कहां से? कोई भी तरीका अपनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये उपमन्यु के सर से तलवार नहीं हटनी चाहिए। अगर बंगाली ने घर खाली नहीं किया तो राज के साथ की हुई डील भी कैंसिल हो सकती है। नहीं ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या बात है अवंती, आज इतने अच्छे मूड में हो, खुश दिखाई दे रही हो, जरूर कोई अपनी पसंद की एक्सपेंसिव शॉपिंग की होगी। नहीं मैंने कुछ डिसाइड किया। जान सकता हूँ क्या? तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। क्या? Really? यार आज पता है, आज तक मैं उसके साथ घूमती थी, उसके साथ हंसती थी और हमेशा उसके साथ होती थी कि उसे जान सकूं। पर आपको पता है आज जब मैंने उसका असली चेहरा देखा ना तो आई थॉट ही इज द राइट गाय, इसके अलावा मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। क्या हो गया? मुझे वो लड़की मिल गई। कौन मिल गई? वही लड़की जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, वो आवाज जो मेरे दिमाग मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही थी माँ, वो लड़की मुझे मिल गई फाइनली। हाँ माँ थैंक गॉड, ऐसे लग रहा है कितने दिनों के बाद मैं अपने बेटे से मिल रही हूँ, वरना पूरे टाइम खोया खोया रहता था, कितना खुश नजर आ रहा था। टचवुड हमेशा ऐसे ही रहना। चलो राहत मिली, अब अकेले गाने की जगह तू वैसे ही एल्बम बनाएगा जैसे जैसे तूने प्लान किया था। वेरी गुड। क्या हुआ राहुल? अरे माँ वो लड़की तो मिल गई पर एक प्रॉब्लम है। आप क्या प्रॉब्लम है? आप विश्वास नहीं करोगे माँ, वो लड़की मेरे साथ लीड में गाना नहीं गाना चाहती। वो कहती है कि मैं कोरस में गा लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ लीड में नहीं गाऊंगी। लाखों करोड़ों लड़कियां मेरे साथ गाना चाहती हैं और जिस लड़की के साथ मैं गाना चाहता हूँ वो मेरे साथ गाना नहीं चाहती। और आई डोंट इवन नो व्हाई। ओके आप समझाओ क्या हो रहा है। लड़की ऐसे नहीं मानती राहुल। तो फिर कैसे मानती है माँ? उसकी आवाज मैजिकल है, अगर मैं गाना गाऊंगा तो उसके साथ गाऊंगा, मुझे समझा दो कैसे होने वाला ये। देखो राहुल जिंदगी में जो भी आसानी से मिल जाए ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तुम दिल से चाहते हो कि वो लड़की मान जाए तो सबसे पहले तुम्हें उसका विश्वास जीतना हो। ट्रस्ट। ट्रस्ट? किसी को मुझ पर ट्रस्ट करने में क्या प्रॉब्लम होगी? तू ना लड़कियों के मामले में बिल्कुल इडियट। क्या? तुझ पर विश्वास करेगी तभी तो तेरे काम पर भरोसा करेगी और तेरे साथ गाना चाहेगी। इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस दिन तुझ पर भरोसा करेगी ना
उस दिन अपने आप तेरे सुर से सुर मिलाकर गाएगी। ओह गॉड मॉम, ये लड़कियां हर चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देती हैं? चलो ठीक है, मुश्किल तो मुश्किल ही, मैं उसका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, पक्का प्रॉमिस। यू श्योर मान जाएगी? डेफिनेटली मान जाएगी। थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट। आपके पास हर प्रॉब्लम का एक अमेजिंग अमेजिंग सॉल्यूशन होता है। आई लव यू मॉम, यू आर द बेस्ट, यू आर अ जीनियस। बाय। काम मॉम छोड़िए अब और मेरी बात सुनिए। राहुल को वो लड़की मिल गई है, वो आवाज जिसके बारे में वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। Are you serious? Yes. Thank God. चलो अच्छा है, अब जिस तरीके से हमने मार्केटिंग और पीआर सोचा है ओरिजिनली उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको पता है वो मुझसे क्या पूछ रहा था? कि लड़की का भरोसा कैसे जीतते हैं? क्या बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? राज, इसका मतलब है कि कोई लड़की हमारे राहुल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो उसका भरोसा जीतना चाहता है। तुम्हारा मतलब है कि सोनाली, इतनी बड़ी खुशखबरी दी तुमने मुझे, एक ड्रिंक तो बनता है। आप भी ना, भिजवाती हूँ। हाँ तलवार बोल। मैं तुझे एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ। मैंने भी तुझे अच्छी खबर देने के लिए फोन उठाया था। चल पहले अच्छी खबर मैं देता हूँ, राहुल अवंती को पसंद करने लगा है। अरे राज, मेरी बेटी ने भी यही कहा, वो उससे शादी करना चाहती है। बोल। कमाल हो गया राज, वाकई कमाल हो गया। बधाई हो तलवार, बधाई हो। अब जब दोनों बच्चे मान ही गए तो पार्टी तो बनती है। सुन, मैंने दिवाली पे पार्टी रखी है, घर पर आ जाना, अवंती को साथ लेकर आना, बाकी बातें आमने सामने बैठ के करेंगे। हाँ लेकिन राज, एक माफ करना, बुरी खबर भी है। क्या वो? अरे वो ही बंगाली उपमन्यु आया था आज यहाँ। नोटिस में जिस तरह से कहा गया है उसने वो पूरी रकम दे दी। क्या? पर इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? अरे यही तो बात है ना। खैर तू छोड़ ये सब, मैंने मेरे लॉयर से बात की है, ऐसे ही आसानी से नहीं छोड़ेंगे उसको। वो घर तुड़वाऊंगा, उसे बाहर निकलवाऊंगा। किस्मत की बात है उपमन्यु, ये दिवाली तो अपने घर पे मना रहा है। जितना अपनी यादों को इकट्ठा करना है कर ले, क्योंकि अगली दिवाली ना तो ये घर होगा और ना ही तेरे सर पर छत। रास्ते पर लाकर छोड़ूंगा तुझे मैं। अरे खूब भालो, ब्रिलियंट। ए शिल्पा, तुम भी एक्सीलेंट आर्टिस्ट है। हाँ देखो कितना अच्छा अल्पना बनाया, क्या बोलता है वो लोग, रंगोली ना। हाँ बहुत अच्छा बनाया। अरे क्यों बोलो? मेरी रंगोली खराब हो जाएगी। ओ और हाँ, वो पालक बथुआ सरसों सब लेके आए ना आप, खाने में छोटे साग बनाना है मुझे। क्या हुआ? अब ये मत बोलिए कि आप भूल गए। अरे लाया है बाबा, लाया है, सब कुछ लाया है, तुम टेंशन मत लो। और जल्दी जल्दी खत्म करो ये सब, पूजा की तैयारी शुरू करना है ना। हो गया, बस आ रही हूँ। वो कहाँ है? हाँ मानवी किधर है? ये देख, हमारा बेटी कितना सुंदर लग रहा है। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। तुझे काला टिक्का लगा देती हूँ। बाबा से कैसे बोलूं कि मुझे जाना है, रिहर्सल्स का टाइम भी हो गया है। अरे ये फूल पूरा है। अरे अरे सुजवा आओ ना बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे जीते रहो। नमस्ते अंकल। ठीक है ठीक है। नमस्ते आंटी, ये हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। आंटी वो मुझे जरा अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे दिवाली के दिन कौन काम करता है? अंकल क्या करें, तो ऑफिस से फोन आया था, जाना तो पड़ेगा ही। रहने दीजिए ना, जाओ बेटा। नमस्ते नमस्ते अंकल।
वो बाबा मुझे भी एक जरूरी काम है, मैं जाके आती हूँ। अरे अभी तुमको कहाँ जाना है? माँ मुझे माफ करना, आज इस घर के लिए मुझे बाबा से झूठ बोलना पड़ रहा है। अरे कहाँ जाना है? वो बाबा रूपा ने कुछ सामान मंगवाया है तो वो लेकर उसे भेजना है, और अगर आज नहीं गई तो अगले दो दिन तक कुरियर कंपनी बंद रहेगी। हाँ ठीक है, इतना अर्जेंट है तो जाओ, लेकिन एकदम संभाल के जाना। हाँ जी बाबा। मुझे लगता है मानवी की हमें शादी कर देनी चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। अरे अभी इतना जल्दी कैसे शादी? अभी तो मानवी गाना गाएगा, म्यूजिक का दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, उसके बाद ये गाना करियर ये शादी के बाद भी हो सकता है ना, कौन रोकेगा? और वैसे भी सुजॉय कह रहा था कि उसे शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ गलत होने से पहले कम से कम इन दोनों की सगाई तो कर देनी चाहिए ना। सगाई? हर चीज का एक सही वक्त होता है और उसे तभी करना चाहिए। सुजॉय इतना अच्छा लड़का है और उसके परिवार को तो हम सालों से जानते हैं, तो फिर बात टालने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है जल्द से जल्द हमें मानवी और सुजॉय से बात कर लेनी चाहिए। हाँ करेगा करेगा करेगा, जब टाइम आएगा तब करेगा। अरे छोटू बस इतने से फूल और गुलाब के फूल, क्या क्या इससे मैं क्या डेकोरेशन करूंगी? और तुम ये लड्डू 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 जाके मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ ना। ठूस ले। रुको क्यों, मेरे से कभी ठूस ले। खान दे मुंडे नु, हैं तू ले ले बेटा ले ले। खा खा के ना चीज बर्गर हो गया, पैन हो जाएगा। ऐ मेरे लड्डू को कुछ मत बोलना। नो बेबी खाओ खाओ। जैसे ही टाइम मिलता है ना, घर वालों को हमारे हॉलिडे प्लान के बारे में बता देना, और लास्ट मोमेंट पे मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए प्लीज। ये गाना इस साल का सबसे बड़ा हिट गाना होगा, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि लोग बेसब्री से इस गाने का इंतजार कर रहे हैं। ए शालिन, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। हम अपना ओरिजिनल मार्केटिंग प्लान फॉलो करेंगे, जितने भी पेपर्स हैं बाहर निकाल लो और उन पर काम शुरू कर दो, और 3 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, प्रेजेंटेशन कल ही देखूंगा मैं। चल कद्दू निकले, आना मत। चलो मैं जा, ठीक है? कितने चले हैं पुत्र? दादी रिहर्सल करने। आज भी काम करेगा तू? दादी मैं यूं और यूं आया। जल्दी आना, देर मत करना। शालिन, डैड के सामने तुम्हारी जुबान को क्या हो जाता है? अपना मुंह खोल के एक बार बोल नहीं सकते हमारे हॉलिडे प्लान के बारे में? सीरियसली शालिन, तुम एक नंबर की यूजलेस ही रहोगे। क्या हुआ निशा, क्यों गुस्सा हो रही है इतना? ऐसे उसको डांटती रहती है, उसका ख्याल रखा कर, कहीं वो अंदर ही अंदर से टूट ही ना जाए। सॉरी सर। आप ठीक तो हैं? ध्यान से देख के नहीं चल सकते? उफ, कदर, इस पे पहले नजर क्यों नहीं पड़ी मेरी? सुजॉय, तुम यहाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पास में एक ऑफिस में आया था, काम था, एड्रेस नहीं मिल रहा था तो पूछने आ गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच बताऊंगी तो कहीं ये पापा को ना बता दे। वो मेरी फ्रेंड यहाँ काम करती है। ओ। तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? वहां पे। थैंक्स। अरे वाह, सही लड़की हाथ लगी है सुजॉय तेरे, ना सिर्फ पटाखा है इसकी तो पहुंच भी बड़ी सॉलिड है। बाप के लिए एक ही दिन में इतने पैसे इकट्ठे कर लिए इसने। शादी करके तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही अपने सारे जुगाड़ लगा देगी, इसको तो फंसाना ही पड़ेगा। आज ही जाता हूँ। रिहर्सल शुरू होने में 5 मिनट रह गए और सारा दुपट्टा गंदा हो गया। ये तो किसी लड़के की आवाज है, और वो भी लेडीज वॉशरूम में। मैं जानती थी
तुम्हारे सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तुम इतने घटिया और चीप इंसान कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में पैर रखने की? तुम्हें लाइफ में किसी ने कभी कुछ सिखाया नहीं ना? तुम लड़कों को लड़कियां मजाक लगती हैं। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम हर लड़की को गंदी नजर से देखते हो। अब बिना बात किए बिना सॉरी बोले तुम जा कहां रहे हो? तुम जैसे घटिया लड़के तो इज्जत का मतलब भी नहीं समझते। दिल्ली की लड़कियां अगर अनसेफ है ना तो सिर्फ तुम जैसे लड़कों की वजह से। हो गया तुम्हारा? क्या बोल रही थी तुम? हाँ, तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से दिल्ली बदनाम है। लड़कों को मजाक समझ रखा है तुम लोगों के। हाँ, लड़का देखा नहीं कि बाथरूम में उसके पीछे पीछे? ये सब मुझे बोलना चाहिए पर रहने देता हूँ, तुम्हें माफ कर देता हूँ। जिंदगी में कोई भी चीज ना मुफ्त में नहीं मिलती। मेरे लिए गाना गा दो। हाँ? नहीं, कभी भी नहीं। इस मानवी तुम्हारी नहीं कि तुम्हें धज्जियां उड़ा दूंगा। गाना तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा मेरे लिए।